नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई क्रिकेट ग्राउंड में बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों के खिलाफ मानवतावाद में विश्वास करने वाले देशों के एक होकर लड़ने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट के और बिना किसी की परवाह किए साफ शब्दों में संकेत दे दिया है। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर इस धरती से उठा है, मैं उसे बहुत अहम मानता हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे, अकलमंद को इशारा काफी है। मोदी ने कहा कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, गुड तालिबान और बैड तालिबान अब नहीं चलेगा। हर किसी को अब तय करना होगा कि आप मानवता के साथ हैं या टेरर के। यमुना खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली में अलर्ट। यमुना सोमवार को 204 मीटर के चेतावनी के निशान को पार कर गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई और निचले इलाके में रह रहे लोगों से बाहर निकलने के लिए सतर्क रहने को कहा। अधिकारियों ने कहा कि पुराने यमुना पुल पर शाम 4 बजे जल का स्तर 204.26 मीटर था, जो चेतावनी के स्तर 204 मीटर से ज्यादा है। राजस्व विभाग के उपायुक्त कुणाल ने कहा कि बढ़ता जल स्तर खतरे के निशान के अंदर है। उन्होंने कहा कि हथिनी कुंड बांध से 90,000 क्यूसेक जल छोड़ा गया है, जिसे दिल्ली पहुंचने में 36 घंटे का वक्त लगेगा। कांग्रेस का सवाल, क्या निर्दोषों के ताबूत के बदले एनएसए वार्ता करेंगे मोदी? पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में हुई 6 लोगों की मौत की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या वे निर्दोष लोगों के ताबूत के बदले पड़ोसी देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने कहा, कांग्रेस ये जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान के हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के ताबूत के बदले एनएसए स्तर की वार्ता आयोजित की जाएगी। सिंह ने कहा कि भले ही संबंधों को सामान्य करने और भारत एवं पाकिस्तान के बीच हिंसा रोकने के लिए कांग्रेस किसी भी कदम पर साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री को अपनी कथनी करने में एकरूपता रखनी चाहिए।